Welcome to Honor of Kings. Surprise party in the minions will arrive in. हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? तो आज हम खेलेंगे ये नया गेम जिसका नाम है Honor of Kings. ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहीं बाहर से डाउनलोड किया इसको. ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस गेम का जो कंपनी है वो चाइनीज है, टीमी. तो हमारे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हर चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिए. एक्चुअली बात ये है कि क्लैश ऑफ टाइटेंस पे तो अब मैच मिलता है नहीं. जो लोग क्लैश ऑफ टाइटेंस खेलते हैं उनको मालूम होगा, 2 घंटे 1 घंटा इतना समय वेट करने के बाद जाके एक मैच मिलता है. उसके बाद जाके उस मैच पे हैकर्स अरे भाई थक गया यार, इतना हैक करके क्या ही मजा आता होगा भाई. खेलना आता नहीं, हैक करेंगे. तो ये जो गेम है, मैंने इसके बारे में सुना है कि ये गेम इज लाइक सिमिलर टू अरिना ऑफ वैलर और क्लैश ऑफ टाइटेंस. इसके सारे हीरोज ऑलमोस्ट सारे हीरोज सेम है, बस वहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंसेस है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो हीरो खेल रहा हूँ उसका नाम डियोचान है, और क्लैश ऑफ टाइटेंस एंड एओबी पे भी एक डियोचान नाम की थी एक मेज, वो फ्रीज वाली फ्रीज कर देती थी जो डियोचान. तो ये वो फ्रीज वाली डियोचान नहीं है, ये एक्चुअली है लॉरियल अरिना वैलर की. तो वाह, व्हाट ए हुक बाय ग्राक. ये ग्राक है जो अभी हुक किया ना, ये ग्राक जैसा है. इसका डिजाइन बड़ा अच्छा है. हमारा अरिना वैलर का ग्राफ तो मोटू सा था, ये काफ़ी कूल लग रहा है देखिए. तो मैं बोल रहा था कि ये लॉरियल है. तो आप जो लोग मुझे फॉलो करते हो उन लोगों को मालूम होगा कि मेरा लॉरियल कैसा है. तो मुझे जैसे मालूम चला कि डियोचान इस गेम पे लॉरियल है, तो मैंने डायरेक्ट खरीद लिया. और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जिसके कारण मर गया. एक्चुअली मेरा सर्कल अभी भी ऑन था, तो मुझे फाइट करना चाहिए था. मैं फाइट नहीं करके मैं पीछे डैश के, वो मिस्टेक हो गई. अगर फाइट करता तो शायद एक बंदा मरता, उसके बाद मर जाता ऑब्वियसली, लेकिन एक को तो मार के मर जाता. तो यहाँ पे देखिए ये जो डियोचान है, जो लॉरियल जो मैं खेल रहा हूँ, इसके पैसिव का भी सिमिलर है, सिमिलर टू हम लोगों के जो पुराने गेम है अरिना वैलर, उसके से सिमिलर पैसिव है. वो स्टैक पे वो ज़्यादा डैमेज करती है, दैट इज ट्रू डैमेज. बस इसका मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, ये इसका जो S1 है कि वो एक बार अपने S1 को कास्ट किया तो वो S1 का जो लोटस है वो आगे फॉलो होता है, उसके बाद रिटर्न उसी पाथ पे रिटर्न आती है. तो इससे क्या होता है ना, अगर मैंने S1 क्लिक किया, वो ग्राफ ने हुक मिस किया, काफ़ी क्लोज था. अच्छा, तो अगर मैंने S1 यूज़ किया तो लोटस आगे गया, और मैंने S2 लगा दिया. S2 कहाँ किया मैंने, डैश करके मैं एनिमी के पीछे गया. अगर लोटस आगे है अब वो लोटस रिटर्न आएगा ना, तो अगर मैं डैश करके एनिमी के पीछे चला गया तो वो जो सेकेंड लोटस है, ये बढ़िया हुक ग्राक की वन, अच्छा एक ग्राक ने बढ़िया हुक मारा. तो फाइट को कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे फॉलो करना चाहिए था ग्राक को, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया, 2 किलो और मिल जाते. अच्छा, तो जैसे मैं कह रहा था कि आपने S1 यूज़ किया, लोटस आगे गया, अब लोटस रिटर्न आएगा. तो रिटर्न आने के पहले ही आपने एनिमी के पीछे डैश किया, तो जो 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 लोटस जो रिटर्न आ रहे थे ना, जो रिटर्न डैमेज है, क्योंकि एवरी टाइम डियोचान के स्किल्स किसी पे लगता है तो उस पर स्टैक्स होता है. तो अगर रिटर्निंग लोटस अगर एनिमी पे नहीं लगा तो इसका मतलब मैजिक स्टैक नहीं गिरेगा ना उसके ऊपर. अगर मैजिक स्टैक उसके ऊपर नहीं गिरा रिटर्निंग लोटस पे,
तो उसको उसके स्टैक्स इंक्रीज नहीं होगा, स्टैक इंक्रीज नहीं होगा तो जो ट्रू डैमेज है वो भी नहीं लगेगा। तो अगर हम देखें अरेना वैलर की, अगर लॉरियल को अगर देखें, तो उस पर क्या होता है कि आप S1 यूज करते हो और आप डैश कहीं भी करो, जिस रोड पे S1 गई है उस रोड पे S1 फिर से वो क्या होती है, वो एक और सेम अमाउंट ऑफ डैमेज देती है फिर से उसी रोड पे। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि मैं कोई भी कहीं भी डैश करूँ, कहीं भी डैश करूँ, वो S1 का जो डैमेज है वो ठीक लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर S1 एनिमी पे दिया और डैश एनिमी के पीछे कर दिया, तो फिर उसे रिटर्निंग S1 है वो डैमेज नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो ओके, यहाँ पे मैं मर गया। एक्चुअली बोर लग रहा था मुझे, कोई फाइट कर ही नहीं रहा, किल्स मिल नहीं रहे, तो सोचा एक टावर के अंदर खुद जाऊँ। और जो ओपोनेंट था, ओपोनेंट थी वो थी ये सिमिलर टू नेट नतालिया। बस मुझे वो चीज़ खराब लगा डियोचन का, आई मीन लॉरियल का जो इस गेम पे है, बाकी अच्छा है। अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा दिमाग लगा के S1 को इस तरह कास्ट करें ताकि वो एनिमी को लगे ही लगे, तो थोड़ा सा वो स्किल्स लगाना होगा उस पर। तो फिलहाल स्टार्ट किया ही हूँ गेम, अब देखते हैं आगे। एक्चुअली अभी मेरा कॉइन्स काफ़ी कम है, तो कॉइन्स थोड़ी सी जमा करके मैं सोच रहा हूँ सुपरमैन खरीदने का। काफ़ी बढ़िया है सुपरमैन भी। लॉरियल तो ऐसे ही ले लिया, सोचा थोड़ा रैंक पुश कर लूँ। फिलहाल अभी मैं स्टैंडर्ड खेल रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करूँगा इस गेम को। एक और चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा इस गेम का, जो कि ग्राफिक्स क्लीन नहीं है। हाँ, AOV की तरह, AOV या फिर क्लैश ऑफ टाइटंस की तरह क्लीन ग्राफिक्स नहीं है। जो एनिमेशंस है और जो डिज़ाइनिंग है हीरोज़ की, ऐसा लग रहा है कि एनीमे देख रहा हूँ, स्मूथ नहीं है। एक्चुअली मैं एनीमे का बुरा ही नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि गेम कम एनीमे ज़्यादा लग रहा है। डिजाइनिंग जिसके डिजाइन से कैरेक्टर डिजाइन्स, तो यहाँ पे हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेलते हुए मुझे एक भी किल नहीं मिला, बस असिस्ट मिल रहे हैं। ग्राफ बढ़िया खेला इस गेम पे। तो इसी के साथ ये गेम एंड हो गया। तो अगर अच्छा लगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस गेम को आगे। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो कितना डैमेज हुआ, अरे MVP तो ग्राफ को मिला। देखिए इसका जो डिजाइन है, कैरेक्टर डिजाइन कितना कूल है, ग्राफ का डिजाइन काफी मस्त लग रहा है, मोटू गेंडा सा नहीं है। ओके, तो 6 किल किया हमने, MVP ग्राफ, और डैमेज कितना किया देखते हैं। डैमेज डैमेज हो रहा, डैमेज 27%, काफी कम है लेकिन ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।